आज पूरे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र का, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन क्या कर रही है जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर उठा के बाहर निकाल रही है, ये अंतोगत्वा उस जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूं कि अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का, भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले साथी को भी चिंता का विषय है। आपने जो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और आदरणीय शिवराज सिंह के चेहरे पे मत दिया, उनका चेहरा बताया गया और दूसरे को सामने लेके मुख्यमंत्री ताराशाही तरीके से बना दिया, एक्सेप्ट किया शिवराज जी ने, सारे विधायकों ने एक्सेप्ट किया, पर अल्टीमेटली लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। जो सांसद चुन के गए उन सांसदों को जिस तरीके से बाहर निकाल दिया, उस क्षेत्र के नागरिकों के प्रश्नों का क्या हुआ, उनके सवालों का क्या हुआ, उस क्षेत्र का भारत के आम नागरिक की भावनाओं का क्या हुआ, यह अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? मोदी जी ने कहा था एक नया तरह का, एक अलग तरह का भारत हम बनाएंगे, एक अच्छे दिन लेके आएंगे, एक अच्छी एक संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। देश सबसे ज्यादा कर्ज में आ गया, देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, देश में बंटवारे की राजनीति से सत्ता हासिल करने लगे, आंतरिक और बाहरी लोकतंत्र की हत्या होने लगी और आम नागरिक को लोकतंत्र पे से भरोसा, ईवीएम पे से भरोसा उठने लगा। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हर जिले में आज विरोध प्रदर्शन किया, धरना आंदोलन किया। आने वाले समय में इस लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई कांग्रेस पार्टी जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ेगी। मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये जिम्मेवारी विपक्ष की है, देश के नागरिक की है, पर मीडिया की भी है। आज उन सांसदों का नंबर आया, कल आपका नंबर आएगा, मीडिया का नंबर आएगा, परसों देश के आम नागरिक का नंबर आएगा। अगर इसी तरह की सोच को हमने हावी होने दिया तो देश का कोई नागरिक इससे अछूता नहीं रह सकता, कोई व्यवस्था अछूती नहीं रह सकती। तो मैं फिर से आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मीडिया जगत को कि इस लोकतंत्र के कुचक्र की लड़ाई में आप सब भी आगे आए, हम सबको लोकतंत्र के आम नागरिक, जो मानने वाले आम नागरिक की सहायता करें। धन्यवाद।